गौरी आपकी जिंदगी से जा चुकी है, फिर भी आप उसकी यादों को संभाले हुए हैं। फिल्म सूर्यवंशम 1999 के रिलीज के वक्त भले ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आज ये चर्चित फिल्मों में से एक रही है। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस सौंदर्या रघु नजर आई थी। शादी मेरी 18 तारीख को ही होगी, लेकिन अर्जुन से नहीं, हीरा से। आज हम बात करेंगे इसमें काम करने वाली एक्ट्रेस सौंदर्या रघु के बारे में। बढ़िया खबर में आपका स्वागत है दोस्तों। सौंदर्या का असली नाम सौम्या सत्यनारायण था। उनका जन्म 18 जुलाई 1972 को कर्नाटक के कोलार इंडस्ट्रियलिस्ट और कन्नड़ फिल्मों के राइटर KS नारायण के यहाँ हुआ था। 12 साल की फिल्मी करियर में सौंदर्या ने 114 फिल्मों में काम किया था। इन्होंने 1992 में कन्नड़ फिल्म गंधर्व से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। उसी साल उन्होंने तेलुगु भाषा की फिल्म रायथु भारतम भी की थी। हालांकि इनको असली लोकप्रियता अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम से मिली थी। उनकी आखिरी फिल्म अपथ मित्रा अगस्त 2004 में रिलीज हुई थी, जो कन्नड़ में बनी थी। वही बात करें उनकी फैमिली की, तो 2003 में सौंदर्या ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर GS रघु से शादी की थी। हालांकि शादी के एक साल बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। बात 17 अप्रैल 2004 की है। सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार करने के लिए करीमनगर जा रही थी। उस दिन सुबह 11 बजे 4-सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट ने बेंगलुरु के जकूर एयरलिफ्ट से उड़ान भरी थी और करीब 100 फीट ऊपर जाते ही एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट में सौंदर्या के अलावा उनके भाई अमरनाथ, सेक्रेटरी रमेश कदम और पायलट जॉय फिलिप मौजूद थे। एयरक्राफ्ट क्रैश में सौंदर्या की मौत हो गई। बता दें कि मौत से कुछ दिन पहले ही सौंदर्या ने भाजपा ज्वाइन की थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म रिलीज के 5 साल बाद सौंदर्या की मौत हो गई। उस वक्त उनकी उम्र करीब 31 साल की थी और वे प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन घर वालों को उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। वैसे सूर्यवंशम फिल्म में इस एक्ट्रेस का अभिनय आपको कैसा लगा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।